गुजरात से बिलोंग करता हूँ और मैं वीरेंद्र मेहता जी सर का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैंने श्री विद्या मेडिटेशन 2020 से सीखना चालू किया। सर की चैनल है जो मेमोरी जीनियस, उसके थ्रू ही मैं सर से कनेक्ट हुआ और मैंने इतने लाभ पाए, मेरी ज़िंदगी में इतने बेनिफिट हुए, इतने जो चेंजेस हुए हैं वो बिकॉज ऑफ ओनली श्री विद्या मेडिटेशन की वजह से हुआ है। मैं कम्युनिटी एग्ज़ाम का स्टूडेंट हूँ, मैंने काफ़ी एग्ज़ाम्स भी दिए, काफ़ी पास भी किए, आज मैं स्टेट सिविल सर्विस भी अपीयर हो रहा हूँ, जो हर एक कम्युनिटी एग्ज़ाम के स्टूडेंट का एक जो होता है कि मेरी मेमोरी बढ़ जाए, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए और मुझे पढ़ाई में जो चीज़ें हैं वो मैं रिकॉल कर पाऊँ, सीख पाऊँ। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट मुझे हुए हैं, मेरा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है, मेरी मेमोरी जो है वो बढ़ चुकी है एंड ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जितने भी बेनिफिट हैं मैं आपको शायद बता भी नहीं सकता कि इतने बेनिफिट मुझे हुए, लेकिन बहुत बड़ा जो मुझे बेनिफिट हुआ था ये 2021 की बात है, जब मेरे घर पे कोविड हो चुका था सबको, जबकि कोविड पीक पे था इंडिया में और सबको पता था कि वो टाइम पे हॉस्पिटल्स और ऑक्सीजन की इश्यूज़ आ रहे थे। तो मेरे पापा को जैसे ही कोविड हुआ हम हॉस्पिटल डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने बोला MRI करके कि भाई इनको 25 जो पार्ट्स होते हैं लंग्स के उसमें से 18 पार्ट्स में निमोनिया है, तो आपको कुछ भी करके हॉस्पिटल्स या तो ऑक्सीजन की कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। और अनफॉर्चुनेटली व्यवस्था हो नहीं पाई क्योंकि हर जगह पे हॉस्पिटल्स फुल थे और ना ऑक्सीजन के सिलेंडर मिल रहे थे। हमारे घर पे बहुत ज़्यादा सब लोग टेंशन में आ गए। फिर मैंने सोचा कि सर ने एक वीडियो डाला था मेमोरी जीनियस उनकी जो चैनल है श्री विद्या हीलिंग के ऊपर, और मैंने वो हीलिंग करना चालू किया। मैं डेली 5 to 10 मिनट श्री विद्या ट्राटक करता था, उसके बाद मैं डेली अपने पापा को हीलिंग करता था कि उनका जो निमोनिया है जो उनके लंग्स में वो ठीक हो चुका है, उनका जो कोविड है वो ठीक हो चुका है, क्योंकि उनको ब्रेथलेसनेस हो रहा था, उसकी बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग इश्यूज़ हो रही थी, तो उनको हीलिंग देता था मैं। और हीलिंग में मैं एवरी डे ये विजुलाइज करता था कि उनका जो कोविड है वो ठीक हो चुका है एंड एक वीक के अंदर within 1 week ये चमत्कार हो गया कि हम लोग मेरे पापा के हेल्थ इम्प्रूव होने लगे। हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि आपने कोविड को हरा दिया है, अभी आपके अंदर कोविड नहीं है। और हम लोग इतने तब जाके खुश हुए, मैं लिटरली बहुत ज़्यादा ऐसे मेरे आँखों में आंसू आ गए कि श्री विद्या मेडिटेशन की वजह से मेरे पापा की जो है वो ऐसे बोल सकते हैं कि उनको एक नया जीवनदान मिला है, क्योंकि सर ने जो ये सिखाया है ये विद्या बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है एंड इसको एक्सपीरियंस करना चाहिए, कोई कहने की चीज़ नहीं है। क्योंकि बहुत अगर मैं कहूँगा तो भी शायद आपको लगेगा कि ये आपको इतना ज़्यादा सुन के भी शायद आपको इतना नहीं पता चलेगा जितना ये एक्सपीरियंस करके पता चलता है। तो वीरेंद्र मेहता जी सर ने बहुत मेहनत से ये विद्या को सबको सिखाना चालू किया है, खुद उसने सीखा है, सबको ये सिखा रहे हैं और उनका एक सपना है कि हर एक इंडिया के हर एक घर घर में ये श्री विद्या मेडिटेशन है वो पहुँचे। और उनका ये सपना सच होगा एक दिन कि सर एक घर में श्री विद्या मेडिटेटर होगा। और बहुत सारे छोटे छोटे बेनिफिट जो मुझे हुए हैं वो तो अनगिनत है, जो मैं शायद आपको बता भी नहीं सकता वीडियोस में। जैसे कि मेरे घर पे जो क्लेश थे वो क्लेश कम हो गए हैं बहुत ज़्यादा, मेरा माइंड एकदम शांत हो चुका है। मैं 2020 से पहले कम से कम 2015-16 से मैं डिप्रेशन में था, मैं 3 से 4 साल तक मैं इतना डिप्रेस था कि मुझे खुद को पता नहीं था कि व्हाट टू डू एंड पूरा दिन मैं मुझे लगता था कि बस अभी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, इतने हद तक मेरा डिप्रेशन बढ़ चुका था। लेकिन जब से मैंने श्री विद्या चालू किया है करना, मुझे एक नया जीवनदान मिला है, ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि मेरा माइंड जो इतना शार्प हो चुका है, मुझे डिप्रेशन नहीं है बिल्कुल भी। और ये विद्या ने इतने चमत्कार किए मेरी ज़िंदगी में कि मेरा माइंड अभी इतना शांत है और मैं पढ़ाई में भी मेरा मन लगता है, मैं जो पढ़ता हूँ मुझे याद रह जाता है, मैं कॉन्सेंट्रेशन मेरा बढ़ चुका है। तो सबको ये विद्या सीखनी चाहिए, ये सर जो सिखा रहे हैं बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए। और सर का मैं वापस धन्यवाद करता हूँ कि विद्या आपने हमको सिखाई। थैंक यू, आभार।